नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट से लेकर एक नई अपडेट निकल के आई है। तो चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं, इसको अच्छे से देख लें और अपनी तैयारी शुरू करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और तुरंत नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर देने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 40,000 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मुख्य रूप से आपको ये देख लेना है कि इसमें सब इंस्पेक्टर के साथ साथ और भी पद रहेंगे, यानी आपको यूपी पुलिस के साथ साथ यूपीएसआई में भी बैठने को मौका मिलेगा यदि आप एलिजिबल हैं तो। जल्द ही इस संबंध में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का प्रक्रियाओं का शुरू कराया जाएगा। इसमें सबसे मुख्य रूप ये है कि जो वहाँ के अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश कुमार अवस्थी जी, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो रेडियो शाखा के हैं वो 2430 पद रहेंगे और इसमें लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित करा दी जाएगी। इसमें जो कांस्टेबल के पद हैं वो 26,382 पद रहेंगे, यानी 40,000 भर्तियों में 26,382 पद कांस्टेबल के रहेंगे और पीएसी के लिए 8540 पद रहेंगे। जेल वार्डर के लिए 1582 पद रहेंगे। इस प्रकार टोटल मिला के आपके 40,000 पद पहुंच जाएंगे, जिसके लिए अधिचयन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल चुका है। बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया अपनी शुरू कर देगा। अब इसमें आगे दिखाते हैं, जो अपर मुख्य सचिव जी हैं उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 40,000 से अधिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जो विभिन्न स्तरों पर चल रही हैं। इसमें जो 829 उप निरीक्षक हैं, यानी इसमें 829 उप निरीक्षकों की भी भर्ती होगी। इसके लिए जो बोर्ड सीधी भर्ती के लिए बोर्ड का अधिचयन मिला है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उसके लिए 693 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 26,382 पद, पीएससी के लिए 8540 पद व जेल बॉर्डर के लिए 1582 पद इनके लिए मिल चुका है। सबसे मुख्य बात यही है कि जो वहाँ पे 500 मृतक आश्रित हैं उनके लिए भी भर्ती के संबंध में कार्यवाही की गई है, यानी उनको कुछ और बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो इनको ज़रूर अच्छे से शामिल कर लें और अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल में नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।